भारत सरकार ने देश की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने तय किया है कि जिन देशों की सीमा भारत से लगती है उन्हें भारत में निवेश करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी अगर इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे तो ऐसे निवेश के लिए भी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बदलाव सीधे निवेश तक सीमित नहीं है, यह भविष्य में होने वाले इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करता है। DPIIT द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा गया है, कोरोना वायरस महामारी के चलते अवसरवादियों को भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से रोकने के लिए भारत सरकार ने मौजूदा FDI नीति की समीक्षा की है। भारत सरकार के इस फैसले पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग ने बयान जारी कर कहा, भारत द्वारा विशिष्ट देशों के निवेश पर लगाई गई अतिरिक्त बाधाएं WTO के गैर भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और यह फ्री ट्रेड के खिलाफ है। पिछले महीने ही चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% की थी। हालांकि पाकिस्तान के निवेशकों के लिए यह शर्त पहले से लागू है। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक या कंपनी केवल सरकारी मंजूरी के बाद ही प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और कुछ अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से जहां विदेशी निवेशकों की परेशानी बढ़ी है, वहीं भारतीय मूल की कंपनियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।